नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बस 10 मिनट में ब्रोकली से हम ये नाश्ता बनाएंगे, जो मुश्किल से एक चम्मच से दो चम्मच में पूरी नाश्ता हम इसे बना पाएंगे, जिसे आप बच्चे को लंच बॉक्स में दे, ब्रेकफास्ट में खाएं या तो वेट लॉस जर्नी में है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इस रेसिपी को हम फटाफट बनाते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं इस हेल्दी रेसिपी को ब्रोकली से बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैंने एक ब्रोकली ली है। खासकर बच्चे को ब्रोकली खाना पसंद नहीं है और ब्रोकली बहुत ही हेल्दी है, तो इस तरह से आप ब्रोकली को खिला सकते हैं। तो एक मीडियम साइज का गाजर, दो प्याज, एक हरी मिर्च मिली है, मैंने अदरक लहसुन यहाँ पर लिया है और मैं यहाँ पर कुछ धनिया की पत्ती ली है। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रोकली और प्याज को चॉप करने के लिए मैंने यहाँ पर चॉपर लिया है। अगर आप चाहें तो ब्रोकली को ग्रेटर की हेल्प से उसे ग्रेट कर सकते हैं। हम ब्रोकली के ऊपर वाला पार्ट तो डालेंगे, ये जो नीचे वाला पार्ट है होता है उसे भी इस तरह से इसका ऊपर का लेयर हटाकर इसे भी छोटे छोटे टुकड़े करके हम चॉपर में डाल देंगे, जिससे वो भी अच्छे से चॉप हो पाए। हमें ब्रोकली को बहुत ही बारीक बारीक चॉप करना है। तो चलिए इसे हम चॉप कर लेते हैं। हमारी जो ब्रोकली है वो अच्छे से चॉप हो चुकी है, तो इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे। अब हम प्याज को भी चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो चॉपर में डालने के पहले हम प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे और इसे भी हम बारीक ही चॉप करेंगे। प्याज को चॉप करके हम मिक्सिंग बाउल में इसे हम डाल लेंगे। इसके बाद हम गाजर को एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर देंगे। इसे हम बारीक बारीक वाली जो ग्रेटर होती है उसी से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम धनिया पत्ती को भी चॉप कर लेते हैं और इसे भी हम मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे। अब यहाँ पर हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ा सा कूट लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस ले सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा कूट कर डालने से इसका टेस्ट ज़्यादा आता है। कूटी हुई अदरक लहसुन और हरी मिर्च को इस मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक कप गेहूं का आटा का यूज किया है और एक चौथाई कप हम बेसन डालेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे स्वादानुसार नमक, दो छोटी चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है। यहाँ पर हम दो छोटी चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे। थोड़ी सी हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, यहाँ पर हमने हींग लिया है थोड़ा सा, और हम एक चौथाई चम्मच इसमें चाट मसाला डालेंगे चटपटे स्वाद के लिए। तो अब इन सारे इंग्रीडियंट्स को हम अच्छे से चम्मच की हेल्प से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर इस नाश्ते को आप थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप चावल का आटा या तो सूजी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम दो चम्मच चावल का आटा डालेंगे। आप चाहें तो आप सूजी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे से सारे इंग्रीडियंट्स को मिक्स कर दिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला ना तो बहुत ज़्यादा थिक रहेगा। तो इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे फिर से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं हमें बस इसी तरह का हमें इस नाश्ते का बैटर चाहिए। तो हमारा नाश्ते का जो बैटर है बनके तैयार है। इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट। और यहाँ पर हम तवे को पहले हम गर्म कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। हमारा जो तवा है वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो इस पर हम तेल अच्छे से फैला लेंगे। हम इसमें बहुत ज़्यादा तेल का यूज नहीं करेंगे, बस हल्का सा तेल हम तवे पे फैला लेंगे। अब हम इस नाश्ते का जो बैटर है उसे थोड़ा थोड़ा उठाएंगे और तवे पे हम इस तरह से चम्मच की हेल्प से इस तरह से फैला लेंगे। इसी तरह हम तवे में जितना हमारा नाश्ता आ सके बस उतना नाश्ता हम इसमें फैलाते जाएंगे। इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इस नाश्ते को आराम से पकने देंगे। जैसे ही आपका जो नाश्ता ऊपर से इस तरह से ड्राई लगने लगे तो अब हम इन नाश्ते को पलट लेंगे। इसे हम पलट कर थोड़ी देर और इसे हम पकने देंगे। अगर आपको तेल डालने की इच्छा हो तो इस टाइम पर डालें, साइडों से आप तेल डाल लें और इस तेल डालकर फिर से दोनों तरफ से अच्छे से उलट पलट कर देख सकते हैं हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से पक चुका है। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी बचे जो बैटर है उससे भी हम नाश्ता बना के तैयार कर सकेंगे। आप इस तरह का छोटा छोटा शेप वाला नाश्ता नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इन वेटर से बड़ा जो चीला होता है उस तरह से आप इसे तवे पे अच्छे से हाथ की हेल्प से फैला ले। चाहे तो आप चम्मच की हेल्प से भी इसे फैला सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से
तवे पर फैला लिया है। अब हम चिली को पहले एक तरफ से अच्छे से पकने देंगे। जैसे ही एक तरफ से अच्छे से पक जाए तो ऊपर से हम तेल डालेंगे और तेल डाल के हम उसे पलट लेंगे और इस साइड से भी हम अच्छे से सेक लेंगे। देख सकते हैं हमारा जो नाश्ता है दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है, तो इसे हम तवे से बाहर निकाल लेंगे। हमारा सारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो अगर मेरी ये ब्रोकली की नाश्ता आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए हम बच्चों के लिए लंच बॉक्स पैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स में बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने ब्रोकली का जो नाश्ता बनाया था वो रख लिया, साथ में मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप रखा है और यही नाश्ता मैंने ब्रेकफास्ट के लिए चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। तो हमारा ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स दोनों तैयार है।